इनके लब रंगी की मिठावर के जिसने। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शाहरुख खान है कोलकाता से, और ये मालूम करना चाहते हैं कि इन्होंने किसी को कर्ज़ दिया है, अब सामने वाले की जो सिचुएशन है ना, कर्ज़ देने की पोजीशन में नहीं है वो, तो ऐसी सूरत में ये कर्ज़ माफ़ करना चाहते हैं, तो कर्ज़ खुद ही अपने दिल में माफ़ कर लें या उसको बताना भी पड़ेगा कि हमने आपका कर्ज़ माफ़ कर दिया। असल में इसमें शरीयत का जो मसला है ना, वो ये है कि अगर आप ख़ुद अपने दिल में माफ़ कर देंगे तो मसला हल हो जाएगा। दिल में माफ़ करने से मुराद ये है कि अपने तरफ से माफ़ कर दें कि आपको उसका कर्ज़ आपने माफ़ किया, तो इंशाल्लाह ताला मुतालबा उससे मैदान महशर में नहीं होगा अगर आपने माफ़ कर दिया तो। ये तो आपका जवाब है। मेरा मशवरा लेकिन इसमें यह है कि अगर आपने इस तरह किसी को कर्ज़ दे रखा है कि जो देने की हालत में नहीं है और आप माफ़ करना चाहते हैं, तो उसमें उसको बताया ना जाए। वैसे बताना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मशवरा ये है कि बताया ना जाए कि हमने आपके कर्ज़ को माफ़ कर दिया। इसमें आपके दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये फ़ायदा हो जाएगा कि बिलफर्ज़ आपने माफ़ तो कर ही दिया है, और आपने जहन यानी दिल में नियत भी कर ली कि अगर इस बंदे को कुछ होता है यानी इंतकाल करता है, ये कर्ज़ नहीं दे पाया, तो मैं इससे मुतालबा नहीं करूँगा। आपने ये नियत तो कर रखी है, लेकिन उसको ना बताने का फ़ायदा ये होगा कि कल को अगर इसके पास पैसा आ गया, क्योंकि ऐसा कोई भरोसा नहीं है कि आज अगर कोई ऐसा मसला है कि कर्ज़ लेकर किसी का डूब गया, कारोबार ठप हो गया, तो कल को वो नहीं उभरेगा। तो अगर कल उसके पास पैसा आ गया तो हो सकता है वो फिर आपको वापस लौटा दे, और तो अगर वो आपको वापस लौटा देगा तो ठीक है, आपके पास वापस पैसा आ जाएगा, कोई मसला नहीं, आपका मसला हल हो जाएगा। और अगर बिलफर्ज़ वो नहीं लौटा पाया, इंतकाल कर गया, तो क्योंकि आपने पहले ही दिल में सोच रखा है कि भाई अगर ऐसा हुआ यानी ये इंतकाल कर गया तो मैं इससे पैसा माफ़ कर दूंगा, तो उस वक्त आप ऐलानिया माफ़ कर दें सबके सामने कि भाई इसको मेरा कर्ज़ था, मैंने उसको माफ़ कर दिया, तो इसमें ये हो जाएगा। दूसरा ये कि अगर बिलफर्ज़ आपने उसको बता कर माफ़ कर दिया, यानी सामने वाले को इन्फॉर्मेशन दे दी कि हमने आपका कर्ज़ माफ़ कर दिया, तो अगर कल को उसके पास पैसा आ भी गया तो वो जानकर भी आपको नहीं देगा, वो ये सोचेगा कि आपने तो माफ़ कर ही दिया, मैं दूँ क्यों। तो इसलिए इसमें आपका बाद में यानी जो भला होने वाला होगा वो नहीं होगा, क्योंकि अगर उसकी माली हालत कल को सुधर गई तो भी वो आपको नहीं देगा, क्योंकि आपने उसके मुंह पर ये कह दिया कि मैंने आपका कर्ज़ माफ़ कर दिया। ठीक है, अलबत्ता इतना आप ज़रूर कर सकते हैं कि आपके कर्ज़ की वजह से सामने वाला फ़िक्रमंद ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि आपका कर्ज़ डूबा या उसका कारोबार डूब गया, कर्ज़ की भी उसे फ़िक्र है, उसके घर में कोई शादी का मसला है बेटी का या कुछ भी, तो हो सकता है कि वो आपके कर्ज़े की वजह से फ़िक्रमंद हो। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं माफ़ करूँगा तो उसका बोझ हल्का हो जाएगा दिल का, तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि उसको जाके बता दें कि आप कर्ज़े की टेंशन ना लें, कर्ज़े की फ़िक्र ना करें, जब भी आपके पास हो आप मुझे तब दे दें, मेरी तरफ़ से कोई मुतालबा नहीं है, आप मेरी तरफ़ से बेफिक्र रहें। तो इससे होगा ये कि सामने वाला मुसलमान आपकी कर्ज़ की वजह से परेशान नहीं होगा, वो बेफिक्र होगा, आप उसको रियायत देंगे तो इंशाल्लाह ताला आप सवाब पाएंगे। तो इस तरह आप एक मुसलमान की बेचैनी भी दूर कर देंगे कि मेरी तरफ़ से कर्ज़े में आप बेफिक्र रहें, आप जो मामलात हैं घर के उसको निपटा लें, कर्ज़े की टेंशन ना लें, जब भी हो तब दे देना, चाहे कितना भी वक्त लगे, मेरी तरफ़ से कोई इसमें आसक्ति नहीं है, आप इससे बेफिक्र रहें। तो आप उसको ये हौसला दे दें तो वो इत्मीनान पा जाएगा। अब बिलफर्ज़ उसके पास हो गया और उसने दे दिया तो आपका काम बन जाएगा, और नहीं हो पाया, इसी तरह वफात कर गया, तो आपने पहले ही अहद कर रखा है कि चले मैं मतलब आसानी कर दूंगा, तो इसमें दोनों काम हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि माफ़ करने की आपकी अगर नियत है या नहीं लेने की नियत है तो उसको ना बताएं, खाली दिल में ये अहद कर लेंगे ये देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो मैं माफ़ कर दूंगा, इस तरह आप दिल में नियत कर लें, बस उसको ना बताएं, वरना फिर वो होने के बाद भी नहीं देगा। अगर आपने बता दिया कि ना मैंने माफ़ कर दिया, तो फिर वो होने के बाद भी नहीं देगा, बाकी उसको इतना दिलासा ज़रूर दे देंगे वो आपकी कर्ज़ की वजह से कोई बेचारा परेशान ना हो, आप उसको इतना कह दें। अगर कर्ज़ भारी है तो
क्योंकि ऐसा होता है ना अक्सर किसी ने कारोबार शुरू करने के लिए लाख रुपया लिया या किसी शादी वगैरह के लिए, वो अचानक कोई हादसा हुआ, चोरी हो गया, खो गया या कारोबार डूब गया, नुकसान हो गया या बिजनेस में पार्टनरशिप थी और वो लेके भाग गया, 10 मसले हो सकते हैं। तो इससे सामने वाला फिक्रमंद रहेगा कि आपके पैसे कैसे लौटाएं। तो बेहतर ये है कि उसको दिलासा दे दे ताकि वो बेफिक्र रहे, परेशान ना रहे, और अगर हो जाएगा इंतज़ाम तो इंशाल्लाह वो आपको लौटा देगा। तो इस तरह आप कर लें, तो उसको खबर ना दें कि मैंने माफ़ कर दिया, खाली दिल में हद कर लें। फ़ायदे मैंने आपको उसमें बता दिए, पैसा अगर आपके पास वापस आएगा तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन कह देने से फिर वो देगा नहीं, ये तो कन्फर्म है। तो होता भी होगा ना कल को वो गनी भी हो गया, अगर अल्लाह ताला ने कर दिया तो वो तब भी नहीं देगा, वो सोचेगा आपने तो माफ़ कर ही दिया, क्यों दूँ। तो बेहतर ये उसको ना बताया जाए, दिल में हल्की नीयत ये कर लेंगे चले ठीक है मैं हल्का हाथ रखूँगा, अगर नहीं होगा तो मसला हल हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी सूरत कर सकते हैं कर्ज़दारों के साथ, इस तरह यानी जो हैं इस चीज़ पर कादिर मुसलमान उनको कर्ज़दारों के साथ ऐसा रवैया अख्तियार करना चाहिए, जिनकी नीयत ये है कि चले कम कर्ज़ा है, अगर वो दे भी नहीं भी देंगे तो चलेगा, तो वो इस तरीके से मामला कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी बात ही समझ में आ गई होगी।